नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने गेस्ट का, और जिन्होंने जो है एक जायज़ा पेश किया, तबसरा किया आजकल के जो हालात हैं इस वक्त। और आज हमारा टॉपिक जो है वो भी आपको बताते चलें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और आपके भी लब आज़ाद हैं, आप भी बोल सकते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही इसीलिए कि आप अपने दिल की बात कह सकें, अपने राय का इजहार कर सकें, और जो क्वेश्चन हैं आपके जहन में, जो पूछते हुए हम झिझकते हैं, जो हम हिचकिचाते हैं, उनको जो है वो प्लेटफॉर्म पर ला सकें, सब मिलकर उस पर तबसरा कर सकें और सब उसका जायजा ले सकें। तो जी अली भाई, बहुत तफसीली गुफ्तगू की असफर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से। आप क्या समझ रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको हम ये कह सकते हैं कि अंदरूनी भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इस वक्त कुछ जो चल रहा है, उसका इससे आपस में क्या ताल्लुक है, क्या होने वाले हालात अपनी नजर में क्या देखते हैं? बहुत गहरा लिंक है, वही मैंने उनसे सवाल भी किया और उन्होंने उस पर ये के कहा कि हाँ ये लिंक है सारा, उसको थोड़ा सा चूंकि टाइम कम होता है तो उसको मजीद खोलते हैं। देखें, जहाँ मैंने बहुत सारे नाम लिए, इराक का नाम लिया, शाम का लिया, लिबिया का लिया, यमन का लिया, बहरीन का लिया। बहरीन में किस तरह से मारा जा रहा है, बहरीन में जेलों के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है, खुदा की पनाह, इस तरह से लोगों को जो है वो ये समझ लें गरम गरम सलाखें लोगों के उससे जिस्म दागे जा रहे हैं, लेकिन मीडिया लोगों के पैरों में कीलें ठोक दी गई हैं, लोगों का ये इस तरह से मारा है। क्यों नहीं आती? क्योंकि मारने वाले भी मुसलमान और मरने वाले भी मुसलमान, तो वो तो चाहते ही कि आप खुद ही मार के ख़त्म हो, जो बाकी रह जाए उनको वो देख लेंगे। तो खून मुस्लिम की जब आप खुद मारेंगे तो उसकी कोई कदर नहीं रही। बहरीन के अंदर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अभी हम इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं ना, अभी हम मुसलमान और नॉन गैर मुसलमान की बात नहीं, इंसानी हकूक की बात हो रही है। यमन के अंदर इंसानी हकूक को, यानी वो चेहरा दिखाया जा रहा है कि पामाल कर दिया, बच्चे और औरतें रोज़ मारे जाते हैं, चाहे शादी की तकरीब हो, चाहे किसी का जनाजा हो या हॉस्पिटल हो, बम मार दिया जाता है उस पर, जो कि जंगी उसूलों के सरासर खिलाफ है। सिविलियन जो है वो उस आबादी को निशाना बनाना, और कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा, बल्कि बड़ी कुव्वतें और असला बेच रही हैं उनको, क्या मारो। बर्मा के अंदर हाथ पैर काट के रख दिए, हाथ पैर काट के रख दिए, तो बिल्कुल है ना, जैसे जैसे इस तरह तो ज़िबा होने वाले जानवर के साथ सलूक नहीं किया जाता, ऐसा बर्मा के साथ सलूक किया, बर्मा के मुस्लिमों के ऊपर भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। फिलिस्तीन में आए दिन का है, वो तो समझते हैं शायद फिलिस्तीनी पैदा इसलिए हुए, मारोस का है, कोई नहीं बोल रहा। शाम में क्या कुछ कराया गया, लोगों को किस तरह ज़िबा किया गया, इराक में क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरह लोगों की खानदानों की इज्जतें पामाल की गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो अगर जवाब में कहीं पर रशिया से कुछ हो जाए तो उस पर हंगामा मच जाता है कि जी बच्चे मार दिए, ये हो गया, और जो खुद इन्होंने लाइन में लाइनें लगा लगा के मारे हैं लोग, उस पर कोई बात नहीं होती। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। यही वो तमाम चीज़ें थीं कि मोदी ने भी सोचा कि गुजरात वाला वाकया दोबारा दोहराया जाए, क्यों ना मैं कश्मीर में तहरीक आज़ादी को हमेशा के लिए उस चराग को खामोश कर दूं, कि इस वक्त तो सभी मार रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो उन्होंने एक नई तरकीब से काम किया, एक तरफ तो बर्बरियत की बहुत ही शदीद जो है वो तरीके के साथ, पूरे हिंदुस्तान में अब इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही है और लोग जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ से इसके ऊपर, लोगों को मारने पर। जब भी ये आर्मी अकेडमी पे हमला करा के और मामले को अपने हक़ में मोड़ा गया कि ये तो हिंदुस्तान की फ़ौज के दुश्मन है और हिंदुस्तान को मुत्तहद किया गया, वरना अंदर से जर्नलिस्ट वगैरह और आज़ाद लोग बोल रहे थे कि आप किस तरह मार रहे हैं, पायलट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को नाबीना कर दिया गया। किस रूल के तहत? कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम भाई सर, अली भाई मैं आपसे मैं उसके साथ आपका टॉपिक बोल के लादाजाद है तेरे, इसका ये ऐसे प्रोनाउंस करता है कि बोल के लादाजाद, तूने अपनी बात कह दी अब तेरे लादाजाद है, बोल के लादाजाद है तेरे, ऐच होना चाहिए इसके बाद, माफी चाहता हूँ, बोल के लादाजाद है तेरे, बोल के तुझे आजादी है बोलने की। आजादी कश्मीरी पर रही है अली भाई, एक हंगामे पर मौकूफ है घर की रौनक, नगमा है शादी न सही, नवा मातम ही सही, मियाँ साहब खुद तो वजारत खारजा का काम कर नहीं सकते, भारत की तैयारियां और ऐसे हालात हैं कि बॉर्डर पर अनरेस्ट होगी या थोड़ी गोलाबारी होगी, इससे हालात में पानामा लीक्स और इमरान खान का मार्च और कम अज कम
आर्मी चीफ के जाने का वक्त आ जाएगा। मियां साहब नवासी को लिए हॉलीडेज पर गए हैं, कश्मीरियों पर मजालम की तस्वीरी एल्बम दिखा रहे हैं, और यहाँ अगर हमारा वजीर खारजा होता तो उसे सफारती आदाब पता होता कि कैसे किस अंदाज में बात करना है। मियां साहब ने सभी महकमे समेट रखे हैं, वो उन्हें इलम है, वो अपने एजेंडा पर अब भी मौजूदा दौरों को टाल नहीं सकते, लेकिन डिले करेंगे। मियां साहब वजीर खारजा, वजीर आजम, वजारत दाखिला सब कुछ हैं, मगर हिंदू सफारतकारी और मकारी के सामने वो इस रिलैक्स मूड में तकरीर कर रहे हैं, गोया उनका अंदाज मासूमाना होता है, लफ्ज बताता है, उनके जेस्चर बताते हैं कि मियां साहब बहुत रिलैक्स मूड में वो तकरीर कर रहे हैं। यहाँ सफारतकारी का काम था, मियां साहब को कम अज कम उन्हें इल्म होना चाहिए था कि ये काम उनके बस का नहीं है। कश्मीरियों के रिप्रेजेंटेशन न सही पाकिस्तान के कम अज कम मौजूदा पोजिशन में यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए मियां साहब इंतहाई मासूमाना और बड़े महजब और इंतहाई, मैं मानता हूं कि उनकी शराफत बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो जहां हो शरीरों का मजमा वहां पर, राइस अमरफी का अल्लाह गरी करामर करे उनका कथा है, जहां हो शरीरों का मजमा वहां पर शराफत के मानी हमाकत भी हैं। ये कहता था एक भेड़िया भेड़ से, शराफत में शर भी है आफत भी है। शराफत देखिए इसमें शर भी है आफत भी है। मियां साहब को ये काम किसी और वजीर के सपुर्द करना चाहिए था, हम अपनी सफारतकारी में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हाफिज हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाफिज हमारे, हम मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान अपनी उसी टक्कर पे चले जा रहे हैं। अपने दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा बात की मुसलसे साहब ने। बिल्कुल, वो अपनी टाइम को डिले कर रहे हैं कि इन बहरानों से निकल जाऊं और इसका जो सियासी फ़ायदा वो भी उठा लूं। ये सारे मामलात हैं, मगर देखें जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ पर तो इस तरह के लोग जिहादी मारे जाते हैं, वो दो चार फौजी मार देते हैं, ये सिलसिला चल रहा था। ये जो अचानक इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को उछलने की कोशिश की है, और इसके मुहरिकात जो अगर गौर किया जाए तो समझ में यही आते हैं कि उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है, बल्कि भरपूर फ़ायदा उठाया है, और अब वो उसको टर्न कर एक नेशनलिस्ट, एक उसको एक कैनवस के तहत लेके आ गए हैं। पहले उन्होंने तब ठीक ठाक जितना वो जुल्म कर सकते थे उन्होंने किया, कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को अद्वियात नहीं मिली, लोगों जो बेड पे थे उनको कोई मेडिसिन नहीं मिली, वो मर गए। इसके अलावा जो बाहर 50 लोग एवरेज गिरफ्तार किए जाते हैं रोज़ यौमिया, उन पर क्या तशद्दुद होता है किसी को नहीं पता, भयानक तशद्दुद होता है। जो पैसे दे सकता है उसके ख़ानदानों को लूट लिया जाता है और बच्चा दे दिया जाता है। ये एक पूरा उसको एक छावनी में तब्दील कर दिया, और उसके अलावा जो सामने आया उसको मार दिया। उनको पता था कि हम मार रहे हैं तो खून मुस्लिम की वैल्यू नहीं है, दुनिया नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, इसका फ़ायदा उठा लो। और जब हम देखेंगे कि बहुत हो चुका तो फिर एक उन्होंने एकेडमी पे हमला करा के और बैंक अकाउंट खोल दिया। मतलब हैरत है कि हर भारतीय उसमें एक रुपया रोज़ डाले, ये उन्होंने कहा है, ताकि हम एक महीने पर 100 करोड़ रुपए यौमिया इसमें से जो है हम उठाएं। और इस तरह से कुछ वो फिगर्स बयान कर रहे थे अपनी आबादी के पूरे तनासब के हिसाब से कि कितने लोग डालेंगे कितने और कब तक हुआ, तो ये हमारा जंगी बजट आ जाए, ये एक बहुत बड़ी करप्शन हो जाएगी। अगर जंग वंग तो अगर उन्होंने हल्की फुल्की से मखसूस ऐसे हिसाब ने कहा, बहुत से बहुत उनका इरादा ये है, बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो बाज़ जगहों पर कहते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, कि वहाँ पर जो है वो दहशतगर्द हैं जो कि जमात उद्दावा के दाखिल हो रहे हैं, तो उनके हम कैंप उड़ा के और निकल जाएंगे। वो समझ रहा है कि मैं उस इलाके में एक सुपर पावर हूँ
और जिस तरह से अमेरिका का एटीट्यूड होता है, उनका ड्रोन आया मारा चला गया तो वो कर लेंगे, मगर पाकिस्तान ने उनको दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर रुकेगा नहीं मामला, बात आगे बढ़ेगी। और जैसा कि अभी असफर इमाम साहब ने कहा कि जो एटम बम जो छोटी छोटी नौइयत के हैं वो पूरे फैला दिए जाएंगे तो वो बड़ा मामला ख़राब होगा। मैं उस दिन इंटरव्यू सुन रहा था, जनरल मुशरफ साहब ने भी बागे दोहल दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमने इसको शोकेस की सीनत बनाने के लिए नहीं रखा है। ये कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मोहम्मद अफजल साहब जर्मनी से खुश आमदीद। बात यह है जी कि एक वक्त था कि हम डिवाइड थे ब्रेमन शूडर वगैरह वगैरह, किसी ने अंग्रेजी में कहा कि ये तो खुद ही डिवाइड है, रूल करने में आसानी होगी, आसानी होगी। किसी पर इल्जाम लगाना आसान है कि हमें किसी और ने डिवाइड किया है। आज के दौर में किसी ने तोते को खुदा बना लिया है, किसी ने मेंढक और किसी ने चोर को खुदा बना लिया है, हालांकि एक बनने के लिए कानून सबके लिए बराबर बनाया जाता है। हाँ अलबत्ता इन खुदाओं ने वन डिश का कानून बनाकर बहुत बड़ा कारनामा किया है, अब तो डंगर कहते फिरते हैं हमारी इज्जत करो। ओके जी खुदा हाफिज। अपने मखसूस स्टाइल में हमेशा अफजल साहब कॉल करते हैं, बात करके चले जाते हैं। हाँ, नहीं मुबम गौर किया जाए तो सारी मियां साहब पे जाके बैठती हैं उनकी सारी, वो हमेशा और यकीनन पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए, वो चाहते हैं कि हमारा भी एक वजीर खारजा हो, हमारी भी एक अच्छी बात है कि जमहूरी मुल्क का वजीर खारजा नहीं है, खारजा नहीं है और सारे काम मैं खुद कर लूंगा, मतलब ऑल इन वन। हाँ जो कहें वो मैं खुद कर लूंगा होता, और उसमें क्या हो रहा है, सैर सपाटे हो रहे हैं, सत्तर सत्तर लोग बात जगह तो वो भी नहीं पढ़ पाते, जेब से पर्चा चेंज हो गया तो वो समझ में नहीं आता अब क्या करूं। बहरहाल ये सब अलमी है, बड़े सलीके से लिखी गई थी कल उनकी तकरीर जो थी, देख रहा था मैं उसको। एक कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो आप एक ऐसा दिलचस्प लेते हैं कि फिर फोन करना पड़ता है माशाल्लाह। क्या प्रोग्राम है। मैं अजमेर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस, मैंने कही है कि कोई काम ऐसा शुरू करने से पहले मशवरा कर लेने चाहिए, ये आप किसी जगह से भी तहकीक कर लें, जो कश्मीर के यहाँ चेयरमैन है उनसे पूछ लें या किसी के, कश्मीर भाइयों ने ये लड़ाई शुरू करने से पहले पाकिस्तान से कोई मशवरा नहीं किया था और अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख सब कश्मीर में शामिल करके ये हमारे हमें यूएनओ की सलामती कौंसिल में जो करारदाद है उसके मुताबिक वोटिंग कराई जाए और हमें कश्मीर दिया जाए। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब यहाँ पहुंचे तो उनके हाथों में ये पाकिस्तानी झंडे इसलिए दे दिए गए कि ये कश्मीर आजाद ना हो, पाकिस्तान के लिए ये कश्मीर आजाद नहीं होगा। दूसरे जो आजादी कश्मीर भी चाहते हैं वो लीडर पता नहीं क्या है, वो तो सीधे अकट आपस में रहते होते जैसे एक भाई ने अभी कहा, और वो सीधे सलामती कौंसल में भी नहीं जाते। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनकी बहुत करता हूँ, उनको पूरी जैसे इंग्लिश भी नहीं आती। तो ये है कि अभी अफगानियों ने जब लड़ाई जीती थी रशिया के खिलाफ तो बाद में आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने एक रफीक से पूछा यार अब आपस में आप ये वो तो हो गए रशिया निकल गया यार, हमें अपने लीडरों पे शक है, इनको उसने गाली भी दी और कहा कि इनको हमें मारना पड़ेगा। ये कश्मीरी लीडर भी आपस में एक नहीं होते, ये भी आवाम को खुद मरा रहे हैं। अमेरिका जितना तक सीधे नहीं होता, अयूब खान के साथ अमेरिका ने धोखा दिया कि आप 62 में वहां हमला न करें, बाद में हम आपको आजाद कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इसके साथ जहलाक के साथ धोखा किया कि आप यहाँ लड़े रशिया के खिलाफ, बाद में हम कश्मीर आपको आजाद करा। उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ के साथ धोखा किया, धोखे पे धोखा, जब तक ये यूएनओ की मीटिंग अमरीके में होती रहेगी, अमरीका इसका हेड है और अमरीका जितना तक आगे नहीं आएगा पूरी दुनिया कुछ नहीं करेगी। मेरा भाई मुझे चेयरमैन बना दो यहाँ का कश्मीर का, फिर देखो मैं सलामती कौंसिल में कैसे शेरों की तरह जाता हूँ। जी चेयरमैन माशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुसीबा।
جناب جی یاسر بھائی جی الحمدللہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک فرمائیے آپ کا آپ کے تجزیہ کار کا تجزیہ سنا ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی جی شاید آپ سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کہ انڈیا کے کل پرسوں کی بات ہے تامل ناڈو میں ایک جو ان کا جوان مرا ہے اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تو انہوں نے انڈیا کے خلاف نعرے لگائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے خود ڈرامہ کیا ہے اپنے ملک میں تو اب یہ ہمارے جو کل ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے یو این او میں کاش کا جو ہے پاکستان کے جو اس طرح والے بے حس کشمیری ہیں ان میں ان کا وزیر اعظم ساتھ چلا جاتا ان کے کچھ بندے چلے جاتے نواز شریف صاحب کا جو اسپیچ کا جو ایکسپریشن تھا وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی روبوٹ بول رہا ہے صحیح حالانکہ ادھر بڑی جذباتی اور بڑی جو ہے امپریشن کے ساتھ ان کو تقریر کرنی چاہیے تھی اتنا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اتنا ہمارے پڑوس میں ظلم ہو رہا ہے عرب ملکوں کو دکھاتے بلاتے اور بہرحال ہے کہ انہوں نے ذکر تو بہت زیادہ کیا کشمیر کا لیکن ہے کہ چونکہ انڈیا کی لابی وہاں پہ بہت مضبوط ہے کیونکہ سارے وہ جو جتنے بھی ہیں عرب جو ہیں عرب سب سے بڑے جو رئیس المنافقین ہیں وہ نہیں بولتے نا مسیح بھائی مسئلہ یہ ہے وہ 50 ملک مل کے فلسطین کا معاملہ نہیں کر پا رہے تو کشمیر کی کیا بات کریں گے وہ منافقین ہیں نا وہ ان کو جیسے کیونکہ وہ امریکہ ان کی سیکورٹی کرتا ہے نا وہ لاکھوں ڈالر امریکہ کو دیتے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے تو ان کی سیکورٹی ختم ہو جائے گی ان کی حکمرانی ختم ہو جائے گی تو اس لیے وہ نہیں بولتے نہیں تو آج یہ جی سی سی کنٹری صرف بولے انڈیا کو ہم تیرا کمرشل بائی کارڈ کرتے ہیں تیری چیزیں نہیں لیتے ہیں تو وہ تو انڈیا کو ناک رگڑنے پہ آ جائے بالکل صحیح بات بڑی دور سے بات ہے بالکل صحیح باقی اگر انڈیا نے جنگ کی تو یہ جنگ پھر دنیا اس ساؤتھ ایشیا کی نہیں اس پورے پلینٹس کی آخری جنگ ہوگی کیونکہ بہت تباہی ہوگی نا پھیل جائے ہمارے پاس بھی خطرناک ترین ہیں ہمارے پاس صرف ایئر کرافٹ کیریئر کا مسئلہ تھا وہ بھی چائنا نے ہم کو پچھلے ہفتے دے دیا ہے وہ چائنا سے بہت ڈرے ہوئے ہیں لگ گیا جی چائنا سے بہت ڈرے ہوئے وہ جی وہ چائنا سے بہت ڈرے ہوئے ہیں ہاں کیریئر بھی ہمارے پاس ابھی موجود ہے سمرینے پہلے بھی ہیں تو اب نیوی بھی ہماری سانتی سی ایک چیز کی کمی تھی تو یہ ہے کہ آپ وہ جو کشمیری جو ہیں نوجوان نسل ہے جیسے انہوں نے آپ کے تجزیہ کار نے کہا کہ اب وہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آ گیا وہ کسی قابو میں آنے والے نہیں ہیں آج بھی انہوں نے پیلٹ گن یوز کیے ہیں اور پکل گن یوز کیے ہیں جو مرچل ورگ کی تاکہ اندھے ہوں تو یہ تو انسانیت کی بدنما دار ہے آپ کو بولے گا میں انگلینڈ میں انڈیا والے انڈین لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کس منہ سے اپنے آپ کو انڈین کہتے ہو کہ ہم ڈیموکریسی کے اتنی بڑی ڈیموکریسی کے علمدار ہیں ہم انسانیت کے علمدار ہیں آپ تو دنیا کے سب سے بڑے ستاناس ہیں بالکل ہوتا ہے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پیلٹ گن کر رہے ہیں نابینا کر دیا ہم کو بالکل صحیح بہت شکریہ ان کا رائٹ ہے پھر اپنی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے ہر دنیا کے دیکھیں نا آپ کشمیر تیمور جو ہے وہ انہوں نے آزاد کرا لیا یوگی نے اور یو این او والوں نے سوڈان کو دو ٹکڑے کر دیا کیونکہ ادھر عیسائی رہتے تھے اب یہ مسلمان ہیں اس میں ہمارے سارے فرقے والے رب سب رہتے ہیں اس میں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں لیکن صرف وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں بالکل اور یہ جو انڈیا وہاں پہ جو اپنا گل کھلا رہا ہے اس کو بہت بہت جو ہے نا بڑا جو ہے اس کو اس کا دینا پڑے گا اور اس کا انجام پھر وہی ہوگا جو رشیا کا ہوا ہے کیونکہ دوسری اسٹیٹیں بالکل تیار بیٹھی ہیں الگی کے لیے انڈیا سے نفرت کرتے ہیں بہت ساری اسٹیٹیں جو نہیں رہنا چاہتی انڈیا کے ساتھ بالکل ایسے بہت شکریہ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی 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 کون بہن کا بات کریں جی میں میرا نام اتیش ہے میرا بھائی بہت بیمار ہے پلیز اس کے لیے ذرا دعا کے لیے کہہ دیں مولا صحت مولا حسین کے صدقے بہت اس کے سینے پہ بھی میرے مولا کے نشان ماتم کے باقی ہیں بس اس کو زندگی بخشتے ہیں پروردگار سے دعا کریں گے اور اپنے تمام سامعین اور حاضرین سے بھی اپیل کریں گے کہ سب جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں سید الشہداء کے واسطے سے دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار صحت کلی عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے اسی کی رحمت کے مولا پنجتن پاک کے صدقے میں میرے بھائی کو اللہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ
پلیز سب سے کہیں دعا کریں انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. تمام انشاءاللہ مومنین جو ہے دعا سب دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ, خدا حافظ, خدا حافظ. جی بہن کے بھائی کے لیے جو ہے وہ آپ سب سے درخواست ہے, جن جنہوں نے سنا وہ ضرور دعا فرما دیجیے, نہ جانے کس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے اور ان کے بھائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہ جو ساری بات ہو رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت اچھی بات کی یاسر بھائی نے بھی کہ جو بہت بڑی ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں, صرف آپ ایک میڈیا کا ان کا دیکھ لیں. وہ میں کل سن رہا تھا ایک رپورٹ, اس میں بار بار وہ ایک جملہ آتا تھا, مودی کے ہاتھ بندھے کیوں ہیں, مودی کے ہاتھ بندھے کیوں ہیں. مطلب بھائی مطلب کیا میڈیا کا یہ کام ہے کیا آپ یہ کہیں کہ جی حملہ کر دو, یعنی پرووک کر رہے ہیں ان کو. ہاں مطلب اس کو ایک ایسی نہج پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ تقریر فلاں جگہ کی تھی کہ میں یہ کر دوں گا, اب آپ کیا کر رہے ہیں بھائی. اب اس کو پوری انٹیلیجنس ادارے رپورٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ تم نے حملہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا. تو خالی ایک ملک نہیں ہے, پیچھے چائنا بھی ہے, سمجھے نا. اب وہ وہاں مودی کے ہاتھ بندھے کیوں ہیں, عجیب مذاق ہو رہا ہے. یہ کون سی صحافت ہے, یہ کون سی صحافت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے پروفز موجود ہیں, آپ کا نیوی کا حاضر سروس, آپ کا کمانڈر اریسٹ ہوا ہوا ہے پاکستان میں, گلبشن جو ہے وہ وہاں پر اریسٹ ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان سے آپ کے لوگ پکڑے گئے ہیں. ایک ہمیں لینی ہوگی لی بھائی, باقی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. ناظرین ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی طرف, چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.